उस पर भी लोड कम होगा, और वो भी 50 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, और साथ में यहाँ भी 2-3 नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसमें लगभग 200 चिकित्सा सुविधाओं में जो कुछ भी चेंजेस और प्रगति हो रही है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसकी चर्चा के लिए हम लोग मिले हैं। अजमेर में चिकित्सा की सुविधाओं ने एक नए सोपान बनाना शुरू किया है। कल ही कोटड़ा के अंदर हमने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का श्री गणेश किया, जिसके कारण से जहाँ वहाँ की जनता को तो लाभ मिलेगा, और जेलन हॉस्पिटल जो संभागीय चिकित्सालय है उस पर भी लोड कम होगा, और वो भी 50 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, और साथ में यहाँ भी 2-3 नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान है, और यहाँ पे अपनी जो निमोनिया और ये अपने बीमारी का जो आइसोलेशन वार्ड, यहाँ पे वो शिफ्ट होंगे संक्रमण, और मैं समझता हूँ कि ये टीबी का जो के नाम से कहलाता है तो वार्ड भी चेंज होगा, वहाँ जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं वह सेंटर भी चेंज करके इन दोनों के स्थान पर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ का मेडिसिन ब्लॉक तैयार होगा, उसी दिन अभी वर्तमान में मेडिकल ब्लॉक उसमें शिफ्ट होगा, और पुराना जो है उसमें टीबी ब्लॉक की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो शिफ्ट होकर के उसका शुरू गणेश करेंगे। उसके मीन टाइम यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं न्यूट्रोलॉजी का निर्माण काम भी शुरू होने जा रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड का तो अभी अपन ने लोकार्पण किया और उसकी शुरुआत हो गई, वह मैं समझता हूँ आधुनिकतम इसमें पीडियाट्रिक वार्ड है, लेकिन उसके साथ ये नया जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स बनेगा इस पे लगभग 53 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है, और इसके साथ पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए भी एक नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर वह भी बनने जा रहा है। तो चिकित्सा सुविधाएं अजमेर वासियों को पूरी मिलें, इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनता है, जिस आदमी क्रिटिकल हो उसके उसकी सारी व्यवस्थाएँ की जाएँ, और वो इमरजेंसी के समय जटिल सर्जरी भी हो तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को सुविधा के लिए 23,75,00,000 का और बजट राज्य सरकार ने स्वीकृत हुआ है। और बड़ी जो एक बात है कि पिछले दिनों लगातार कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लगभग पंजाब से एक ट्रेन आती है, लगभग लोग उसको कैंसर ट्रेन भी कहना लग गए हैं, तो इस बीमारी के लिए इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो उसके लिए जयपुर इत्यादि में तो व्यवस्था है, लेकिन जेलन हॉस्पिटल में भी उसके सर्जरी विशेषज्ञ अपने पास आ गए हैं, डॉक्टर अर्पित जैन हैं, ये यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, तो आज अपनी कैंसर की सर्जरी भी अब अजमेर जेलन हॉस्पिटल में होना प्रारंभ होगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हालांकि धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट्स को और जो कुछ चाहिए उसकी व्यवस्था करने में प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, और बाकी कुछ जगह तो हम जो व्यवस्थाओं उत्तमिक हो गए हैं, अभी माइक्रो प्लान यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ परिवर्तन दिखे, जैसे ध्यानों के इसके आपातकाल के सामने गार्डन था, गार्डन हमेशा बंद रहता था, मैंने भी कई बार पहले कई प्रिंसिपल से चर्चा की लेकिन मैं खुलवाने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान में वह पूरा खुल करके जो उसके अटेंडेंस हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी हुई है, वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था भी पिछले दिनों एक वाटर कूलर हुई लगा है, और लोगों को आत्मिक शांति मिले इसलिए वहाँ एक मंदिर भी बना है जिसके कारण से लोग आराम से वहाँ पे रह सकें। हमेशा यहाँ पर टॉयलेट्स की शिकायत रहती थी, वो ध्यान है जिस समय कोविड था तो पता नहीं कितने लोग फ़ोटो डाल करके हमको बताया करते थे,
तो यहाँ 70 टॉयलेट्स जिसको पीडब्ल्यूडी को हमने उसको निर्माण और मरम्मत करने के लिए ऑर्डर उसको दे दिया है। और पहली बार न्यूरो सर्जरी विभाग में दिमाग की नस में एन्यूरिज्म में क्लिप लगा करके सफल सर्जरी भी कल कर दी गई है। तो यहाँ धीरे धीरे जो इस प्रकार की बीमारियाँ जिसका इलाज साधारणतः नहीं होता था, जिनको बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए हॉस्पिटल ये आगे बढ़ता जा रहा है। और कल एक ही दिन में 10 लेप्रोस्कोपी का भी इन्होंने करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और साथ में आपने देखा होगा कि शायद राजस्थान में पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें स्पीकर हेल्प डेस्क बनी है। उस स्पीकर हेल्प डेस्क के अंदर आप भी यहाँ पे बाहर देख सकते हैं, कोई बाहर का पेशेंट आता था या स्थानीय आए, उसको कौन से रूम में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कहीं उसको पता नहीं लगता, वो भटकता रहता था राउंड में, तो वहाँ पे पूरी उसकी व्यवस्था है। हमेशा 24 घंटे 7